पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा पार्टी ऑफिस पर भाजपाइयों ने धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर विधायक रितेश गुप्ता ने की। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर केक काटा गया। इसके उपरांत पार्टी ऑफिस पर भाजपा के नगर विधायक रितेश गुप्ता ने रक्तदान करके शिविर की शुरुआत की। भाजपा पार्टी ऑफिस पर शनिवार सुबह भाजपा का जमावड़ा रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री जन्मदिन को चार चांद लगा दिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान करके समाज में सेवा भाव का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर नगर विधायक के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली सिंह, मेयर विनोद अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, धर्मेंद्र मिश्रा, राजेश रस्तोगी, विशाल त्यागी समेत तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, आज ये कौन सा कार्यक्रम बना रहे हैं? ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि 2024 के इलेक्शन में वो दोबारा से पुनः हमारे प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होकर आए, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और इतने कार्यशैली उनकी इतनी अच्छी है। बहुत अच्छे तरह से वो कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में विकास बहुत तेजी से हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि आज उनका जन्मदिन उनके व्यक्तित्व के रूप में मनाया जाए और बहुत अच्छा लग रहा है। बीजेपी कार्यालय पर रक्तदान के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। सभी भाई बंधु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं पखवाड़े के? सेवा पखवाड़े के रूप में ये कार्यक्रम 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक है। इसमें सेवा भाव से मोदी जी की प्रदर्शनी लग रही है। मन की बात, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, स्वच्छता अभियान, नमामि गंगे अभियान, इसी तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। आज ही प्रदर्शनी का आयोजन है जिसमें नरेंद्र मोदी जी की जो उन्होंने कार्य किए हैं बचपन से लेकर आज तक उसकी प्रदर्शनी लग रही है। आदि छत्तीसगढ़ में भी पंचायत सर आज क्या कार्यक्रम बना रहे हैं? ये आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग ये सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं और उस सेवा पखवाड़ा का आज शुभारम्भ जो है रक्तदान शिविर के माध्यम से किया गया है, जिसमें आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर लाइन में लगे हुए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। मैंने स्वयं अभी रक्तदान किया है और अभी रक्तदान कर नीचे आया हूँ। सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे? इसमें 15 दिन लगातार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम हैं, जिसमें आज हमारा रक्तदान शिविर हो गया। आज 2 बजे पंचायत भवन में मोदी व्यक्तित्व के ऊपर एक प्रदर्शनी लग रही है, उसका शुभारंभ है। 4:30 बजे मिगलानी सेलिब्रेशन में एक प्रदर्शनी है, उसका शुभारंभ है। और 17, 18, 19 लगातार ये प्रदर्शनी चलेंगी और लगातार प्रतिदिन स्वच्छता का है, महापुरुष की मूर्तियों की साफ सफाई सज्जा का है और विभिन्न तरह कार्यक्रम है। अमृत सरोवर की साफ सफाई है, तो बहुत से कार्यक्रम विभिन्न तरह के हैं, वो लगातार चलेंगे और 15 प्रतिदिन लगातार कार्यक्रम चलेंगे। दिवस मना रहे हैं, क्या इसका संदेश है? आज विश्व के सबसे ताकतवर नेता और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिवस पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं आज इस मौके पर समस्त देशवासियों को मोदी जी के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी जी का जन्मदिवस आज से शुरू होकर और 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मना रही है। जिससे डेली कोई ना कोई कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। इसी कड़ी में आज मोदी जी के जन्मदिवस से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास का माहौल है।